सो एवरीबॉडी, तो जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आज हमारे साथ यहाँ पे टॉपर भैया लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। और इनसे आपको रूबरू कराएंगे एक एक करके, अपना नाम इंट्रोडक्शन। ज्ञानीश हिमेंद्र शिंदे, और मैं मतलब कि कितने परसेंटाइल आए आपके? 100। 100? हाँ, क्या बात है। आते आप पे आते हैं अभी 100% वाले पे। आपका नाम और कितने परसेंटाइल आपका है? प्रभाव खंडेलवाल, 99.9986। अच्छा, आपका? हर्षित राज, परसेंटाइल 99.9946। समीर पाटिल, 99.9958। 9958, एक एक पॉइंट याद है आपका। 99.9970। अच्छा, तो इन्होंने मेरा चैनल देखा है, ये सब्सक्राइब किए हुए हैं, कैसा लगा जब रिजल्ट में देखे 100% आया? बहुत खुशी हुई, मतलब मेहनत की थी और ऐसा रिजल्ट आया तो फिर खुशी बहुत हुई। अच्छा, तो मतलब कि कब से हो आप एलन में, कौन कौन से कोर्स बैच में आप पढ़ाई किए यहाँ पे? मैं 8 स्टैंडर्ड से एलन में हूँ और 8 अभी 5 साल हो गए, और 8 में PNS में था, और 9th में CFS, 10th में TIPS, 11th में TEPS और 12th में TES। अच्छा, तो कुछ आप बताओ यार, टिप्स बताओ, जो आपका तो 100% आ गया, आप तो सेकेंड अटैम्प्ट देने नहीं चाहोगे, जो सेकेंड अटैम्प्ट देने जाएंगे उनके लिए कुछ बताओ टिप्स वगैरह। देखिए, केमिस्ट्री के लिए तो जैसे कि NCERT से पूरा पेपर आता है, तो NCERT एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए लाइन टू लाइन, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में लेंदी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो कैलकुलेशन स्पीड और ओवरऑल स्पीड पे काम करने के चाहिए, और फिजिक्स में तो आपके कंसेप्ट क्लियर है तो हो ही जाता है, और जेई मेन्स रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस में नहीं होते, तो उनसे ज़्यादा हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो उन पे ध्यान देंगे तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे भी इम्प्रूव होता है रिजल्ट बहुत। तो कोटा में कैसा रहा रहना खाना यहाँ पे? रहना खाना तो इधर अच्छा ही है, और पढ़ने का माहौल है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं और कर सकता, मैं और करना चाहिए। तो यहाँ पे और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 99% आया है, हम इनसे जानेंगे कि क्या फिर से अभी सेकेंड अटैम्प्ट में दोगे 100% के लिए, या बस हो गया? नहीं नहीं, एडवांस की तैयारी कर, एडवांस की तैयारी करोगे आप? एडवांस की तैयारी, आप एडवांस के लिए मतलब कि आप कोशिश करोगे कि एडवांस में जितना अच्छा से अच्छा हो वो करें, राइट? चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये रहे आज हमारे साथ यहाँ पे कोटा में, मतलब कि जो यहाँ पे जेई के टॉपर आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका इंटरव्यू, और अब ये आगे बढ़ेंगे, जेई एडवांस की तैयारी करेंगे और वहाँ पे अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो बस, और भी हम आपको अपडेट देते रह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स वगैरह आ रही है, आप भी अच्छे से तैयारी करो खूब मन लगा के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।